हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता लग गया होगा या नहीं पता लगा है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही सैड न्यूज़ है कि दोस्तों, आप सभी का जो एग्ज़ामिनेशन 10 तारीख को होने वाला था पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक का 9 तारीख को, उसको पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि एग्ज़ाम डेट को बढ़ा दिया गया है। आप सभी का एडमिट कार्ड आते हुए भी आप सभी का एग्ज़ाम डेट को बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं नोटिस क्या आया हुआ। सबसे पहले नोटिस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नोटिस डाउनलोड हो रहा है और ये हमने ओपन कर लेते हैं। देखिए, 2 तारीख को आया हुआ था नोटिस, यानी आज ही आया हुआ है, कुछ देर पहले ही आया है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी के बीच में ये नोटिस है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है, है ना। यहाँ पे आप साफ साफ पहले देख लेते हैं नोटिस सही है या नहीं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए BCEC और DCEC लिखा हुआ है 2/7/2022, है ना, है ना। यहाँ पे देखिए पॉलिटेक्निक, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल और पारामेडिकल मैट्रिक, है ना। ये मतलब कि आप ही लोगों का है, किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट भी आप लोग देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, है ना, सभी संबंधित एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिताओं DC, PE, PPE और PMPMM 2022 के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतना, ठीक है, लिखा हुआ है दिनांक 12 तारीख 6/6/2022 के द्वारा DCEC, है ना, की परीक्षा तिथि 9 और 10 को आयोजित करने की सूचना दी गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए पुनर्निर्धारित किया गया है, ठीक ना। जिसका यहाँ पे देखिए दोस्तों, पॉलिटेक्निक वालों का 9 तारीख को होना था, अब इसको पोस्टपोन करके 30 तारीख को कर दिया गया है, और पैरामेडिकल का 10 तारीख को होना था, जिसको 31 को कर दिया गया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अच्छा भी है, कहीं ना कहीं ख़राब भी है। अब अच्छा किन के लिए दोस्तों, तो जिनकी तैयारी कम्प्लीट नहीं है उनके लिए अच्छा है, और जिनकी तैयारी कमज़ोर है अभी भी, है ना, आज इनकी तैयारी और अच्छा है, और उनको तो सर एग्ज़ामिनेशन देना था, तो थोड़ी सी खामी है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप लोग डीमोटिवेट मत होइएगा, आपके पास अभी भी समय है, आप थोड़ा सा और इम्प्रूव करिए अपने अंदर, ठीक ना। कहा जाता है ना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं अक्सर सीधा पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा ऐसा पत्थर तलाश करो। तो दोस्तों, अगर आपकी तैयारी कम्प्लीट है, आप एग्ज़ामिनेशन देने का सोच रहे थे 10 तारीख को, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग अभी भी और उसको इम्प्रूव करिए। और जो बच्चे अभी तक से सोच रहे थे कि अब क्या 10 दिन में कोर्स लेना है दोस्तों, तो आप किसी भी बैच को चेज कर लीजिए, मात्र 299 में ऑल सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह सारा चीज़ होगा, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों, आप सभी का एग्जामिनेशन तो कैंसिल हो गया, तो तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग दोस्तों, कोई कोर्स को, है ना, उम्मीद बैच को, या फिर आप टॉपर बैच को, है ना, आप किसी भी बैच को, है ना, टॉपर बैच को या फिर सफलता बैच को, किसी एक बैच को बाई करके आप सभी लोग अपनी तैयारी को और भी अच्छा बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन थी। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है दोस्तों, एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग, आप लोग तो एडमिट कार्ड निकलवा लिए हैं, और 10 तारीख को, तो ये देखिए कहता है, परीक्षा के निर्गत एडमिट कार्ड ही पुनर्निर्धारित परीक्षा हेतु वैध रहेगा। एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग भी लिखा हुआ है दोस्तों, जो आप लोगों ने एडमिट कार्ड निकाला है उस एडमिट कार्ड से भी रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। तो आप लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एडमिट कार्ड भी वही रहेगा, ठीक ना। और अगर कैंसिल भी होता है वो एडमिट कार्ड, ऐसे तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अगर वो भी एडमिट कार्ड अगर कैंसिल होता है तो नया एडमिट कार्ड का भी नोटिफिकेशन जारी करेगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अन्य नोटिफिकेशन आने की संभावना भी है, ठीक ना। तो दोस्तों, आप लोग अपडेट रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तैयारी दोस्तों करते रहिए, ठीक ना, तैयारी को रोकिए नहीं। आप पेड क्लास के स्टूडेंट का ना हो, तैयारी नहीं रुकना चाहिए आप सभी को। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।